हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज हम जा रहे हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने, जो कि है कैचिंग फिश। तो अगर आपने हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज जाइए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करना। सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, आज हम जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने इस कैचिंग फिश की। तो दोस्तों, ये एक मैग्नेटिक कैचिंग फिश है। आप देख रहे हो बहुत सारी कैचिंग फिश इसके अंदर दिखाई दे रही हैं। तो एक ये पर्टिकुलर टॉय टाइप का है जिसमें हमारे को फिश कैच करनी होती हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पूरा मीन्स गेम इसका, कैचिंग फिश का। सबसे पहले हम बॉक्स की बात करते हैं। तो बॉक्स पे यहाँ पे कैचिंग गेम लिखा हुआ है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। पीछे इसके बारे में कोडिंग हुई हुई है और दिखाया हुआ है ये कैसा प्रोडक्ट लगता है। और ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई है दोस्तों, जो कि हमारे को दिखाती है अंदर फिश जैसे कि पड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी के हम इसको खोल लेते हैं दोस्तों। यहाँ से हमने इसका जो गत्ता है वो हटा दिया है और ये हमारी ट्रेन निकल गई है बाहर। तो दोस्तों, इसके अंदर सब यही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। बॉक्स रख देता हूँ मैं साइड में। तो दोस्तों, हमारे को जो इसमें चीज़ें मिलती हैं वो मिलती हैं, एक तो पहले ये ट्रे मिलती है हटाने के लिए, इसमें से हम हटा लेते हैं। और जो कैचिंग फिश स्टिक है वो हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर जो हमारे को स्टिक मिलती हैं वो मिलती हैं चार, 1, 2, 3, 4 अलग अलग कलर के अंदर। एंड इसके आगे एक मैग्नेट लगी हुई है जिससे हम इन सारी फिशों को पकड़ेंगे। तो दोस्तों, ये इसके अंदर इतनी सारी फिश मिलती हैं। इन फिशों को हम यहाँ पे ऐसे करके लगा देते हैं इसके अंदर। तो क्या होता है कि जब हम इसके अंदर सेल लगाएंगे तो ये डिस्क सारी रोटेट होती हैं। एंड इसके अंदर जो फिश का आप ये मुंह देख रहे हो, पास से दिखाता हूँ, ये आप फिश का दोस्तों मुंह देख रहे हो, ये वाला ऐसे खुलता है। इसमें आ गई मैग्नेट और ये मैग्नेट चिपक जाती है हमारी स्टिक वाली मैग्नेट से और फिर हो जाता है इसका मुंह बंद। तो ऐसे जब ये रोटेट करती है तो मुंह खुलता है, फिर बंद हो जाता है, खुलता है, फिर बंद हो जाता है। तो जो सबसे पहले फिश कलेक्ट करेगा वो जीत जाएगा। तो अब हमारे पास है ये टॉय और इसके अंदर हम सारी फिशेस को उनकी जगह पे लगा देते हैं सारे होल्स के अंदर, जो हमारे को निकालते वक्त थोड़ी बाहर गिर गई हैं। तो जहाँ तक ये सारी फिश लगी हुई हैं अपनी जगह पे, अब हम बिना किसी देरी के दोस्तों लगाते हैं इसके अंदर सेल। तो सेल का कंपार्टमेंट तो ये रहा दोस्तों, हम आराम से खोल लेते हैं सेल का कंपार्टमेंट। दोस्तों, यहाँ पे था इसका सेल का कंपार्टमेंट, ये हमने खोल लिया है सेल का कंपार्टमेंट। और इसमें लगने हैं हमारे दो बैटरीज, वो भी डबल ए सेल, 1.5 वोल्ट डबल ए सेल। मैं जल्दी से लगा देता हूँ, एक इधर लग जाएगा। दोस्तों, इसमें लगने हैं हमारे डबल ए सेल, तो मैं जल्दी से इसमें लगा देता हूँ ये सेल। तो ये ऐसे लगेंगे, आगे की साइड से डलेगा और फिर स्लो स्लाइड होके ये पीछे की तरफ जाएगा और ऐसे ही एक आगे सेल लगेगा। तो ये लग चुका है, इसका ये कैबिनेट कर देता हूँ बंद दोस्तों मैं, और इसको कर देते हैं हम ऑन। दोस्तों, आप देख रहे हो इसके अंदर फिशेस के, जो इतने सारे फिशेस हैं उन सबके मुंह कैसे खुल रहे हैं। अब हम निकालते हैं अपनी कैचिंग फिश स्टिक। ये रही दोस्तों हमारी कैचिंग फिश स्टिक, इसके अंदर नीचे मैग्नेट लगी हुई है, ये प्लास्टिक की स्टिक है। अब मैं क्या करूँगा, जिस भी मछली का मुंह खुला हुआ मिलेगा ये मैंने पकड़ लिया और ये फिश निकाल ली। तो ऐसे ही चार टीम होंगी, जो अपने सबसे पहले निकाल लेगी फिशेस वो जीतेगी। अब देखो ऐसे ऐसे पकड़ा जा रहा है फिशेस को, अब मैं ऐसे करके लटकाता हूँ इनके पास, जो मैग्नेट होगी चिपक जाएगी इनसे। ये देखो मैंने ये पकड़ लिया, ये निकल गई। इससे पकड़ूँ, इससे भी पकड़ लिया, एक और आ गई। तो देखो ये ऐसे ऐसे पकड़ ली मैंने, एक और पकड़ ली। ये तो बहुत मजेदार गेम है। एक और पकड़ ली। तो दोस्तों, मैंने तो बहुत सारी फिशेज इकट्ठी कर ली हैं पकड़ पकड़ के। सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ पे पास में लाना है, जो मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगी फिश वो निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों, ये तो बहुत ही औसम गेम है, मैं इसको कर देता हूँ बंद। ये तो बहुत ही औसम गेम है। अगर आपके यहाँ जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो। इसमें चार टीम बन जाएंगी और उसमें सबको अपने अपने पाले में से
फिशेस निकालनी होंगी, जो सबसे पहले निकाल लेगा वो सबसे पहले मींस जीत जाएगा, फर्स्ट विनर होगा, फिर सेकंड विनर, थर्ड एंड फोर्थ। तो ऐसे ये गेम खेला जा सकता है, बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है। बिल्डअप क्वालिटी की बात करूँ अगर फिशेस की, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ऐसा नहीं है मैग्नेट बाहर निकल जाएगी या बच्चा इसको मुँह में डाल लेगा, क्योंकि अच्छी तरीके से जो प्लास्टिक केसिंग है उसके अंदर सील्ड है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर से यहाँ पे धागा है, अगर ये धागा टूट भी जाता है तो आप नया धागा लगा के अपने घर के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये इसमें सील्ड है। तो ये प्लास्टिक स्टिक फ्लेक्सिबल है, टूटने वाली नहीं है, इतनी जल्दी आसानी से नहीं टूटेंगी जब तक तो कोई पीछे नहीं पड़ जाएगा। ओवरऑल बिल्डअप क्वालिटी की बात करूँ दोस्तों, इस प्रोडक्ट की बिल्डअप क्वालिटी अच्छी है, बहुत ही रफ एंड टफ है, अगर गिर भी गया तो कुछ होने वाला नहीं है। अंदर सिंगल मोटर का यूज़ है, अगर कोई डिफिकल्टी इन फ्यूचर हो जाती है तो मोटर की तारी हटी होगी तो आप उसको लगा सकते हैं एंड उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट हमारी तरफ से, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको कमेंट लिखिए कि आपको अच्छा लगा हो। इसका परचेज लिंक भी हमने कमेंट के अंदर शेयर कर दिया है। तो ऐसे ही ऑसम प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सपोर्ट अस बाय शेयरिंग आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।